सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेल्वेटेक को और आज फिर देखें बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का सेट नंबर 24। फ्रेंड्स, तो पूर्व की तरह मैं इस वीडियो को पुनः आंसर को हाईलाइटेड करके प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इसके पूर्व मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि आप उन सारे वीडियो से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी कड़ी में आज हम पेश कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का यह सेट नंबर 24। फ्रेंड्स, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 में मनाया गया था पहला विश्व पर्यावरण दिवस। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो वाहनों से निकलने वाली गैसें, खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें, ये विश्व उष्मायन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, यह भी विश्व उष्मायन के लिए प्रमुख घटक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो वह है ओजोन स्तर। और ओजोन स्तर कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन O3 यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखता है। यह पृथ्वी का आवरण कहलाता है, सुरक्षात्मक आवरण कहलाता है, या फिर पृथ्वी का कवच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है कितनी? तो 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल स्थित है? वह है क्षोभ मंडल, और इसके ऊपर का मंडल समताप मंडल होता है जिसमें ओजोन स्तर होती है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होता है किस ऋतु में? तो ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वायु की आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसके द्वारा वायु में नमी की मात्रा अर्थात आर्द्रता को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो आर्द्रता कहलाती है, नमी कहलाती है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो पृथ्वी पर स्वच्छ जल की भाग है कितना? तो मात्र 22.5%, जिसे हम पीने में उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भूमंडल पर जल का भाग है भूमंडल पर, तो वह है 71%, 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है किसके द्वारा? तो जीवाणुओं के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है तो कौन सा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है जो उत्पादकों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्रहण किए जाते हैं और खाद्य श्रृंखला के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों तक प्रवाहित होते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में पाए जाते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु ये वातावरण के मुक्त नाइट्रोजन को भूमि में नाइट्रेट के रूप में स्थित करते हैं जिसे हरे पौधे ग्रहण करते हैं, और यही एक कारण है जिसके कारण फलीदार पौधों से प्राप्त दलहन में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो CO2 एवं जलवाष्प। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाती है, जबकि एक सामान्य मात्रा पृथ्वी पर तापमान को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। और CO2 की उपस्थिति के कारण ही रात में भी टेम्परेचर सामान्य रहता है, जो हमारे जीवन के अनुकूल है। किंतु CO2 की अधिकता जो वायु प्रदूषण के कारण, वाहनों के कारण हमारे वातावरण में फैल रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, वैश्विक तापन की स्थिति बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, एस चंद्रशेखर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल के किस परत का तापमान समान होता है? तो समताप मंडल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, और इसी मंडल में होता है ओजोन स्तर। मौसम संबंधी प्रक्रियाएं परिवर्तन इसी मंडल में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत को ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है? तो वह समताप मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है प्रकाश के पकड़न के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है ऑक्सीजन O2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि ये अवशोषण करते हैं किसको? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, या यूं कहें पेड़ पौधे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने में? क्वेश्चन नंबर 25, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है क्वेश्चन नंबर 26, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 21%। क्वेश्चन नंबर 26, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? केल्विन। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा? और क्वेश्चन नंबर 28, ध्वनि या प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्न से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो प्लास्टिक, जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है और इसका विघटन भी नहीं होता, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जबकि कागज कपड़ा ये दोनों पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, जबकि धातु और प्लास्टिक, तो यहाँ पर प्लास्टिक ज़्यादा हानिकारक है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, वातावरण अत्यधिक हानिकारक गैस है जिसके कारण मुख्य रूप से अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी, और नाइट्रिक अम्ल ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? तो 5 जून को, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ओजोन स्तर रखता है। क्वेश्चन नंबर 34, किस जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है? तो पेड़ पौधों को फ्लोरा और जंतुओं को फौना सूचित करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ताजमहल को पीले होने से निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेवार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिम्मेवार है ताजमहल के पीले होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, 16 घाट स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं 16 घाट स्थल, या 16 घाट स्थल कहलाता है पश्चिमी घाट।
गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और एक्सप्लेनेशन है गंगा नदी के प्रधान शाखा भागीरथी है जो गढ़वाल में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है। गंगा के इस उद्गम की ऊंचाई 3140 मीटर है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, तो ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। एगमार्क का संबंध है किससे, तो गुणवत्ता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो तरंगे किस मंडल से वापस आती है, तो आयन मंडल से आती है और इसी के कारण हम टीवी पर प्रसारित प्रोग्राम को और रेडियो से उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं और रेडियो तरंगों के कारण ही जो आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर धरती पर आती है। कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट कर रही है, तो वह है क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC गैस। क्वेश्चन नंबर 44। विश्व ओजोन जागरूकता दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 45। ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, तो डॉप्सन। और क्वेश्चन नंबर 47। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने पर रोकता है कौन, तो ओजोन परत। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC का मुख्य स्रोत है शीतलन पैदा करने वाले रेफ्रिजरेटर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मौसम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला फैक्टर है चक्रवात साइक्लोन। क्वेश्चन नंबर 50। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। और क्वेश्चन नंबर 51। किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक उच्च पोषण प्रदान करता है कौन, तो सर्वाहारी मनुष्य ओमनिवोरस। और इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव यू ए गुड डे।